मुरादाबाद के नगर पंचायत पागबड़ा के थाना पागबड़ा से मात्र चंद कदम की दूरी पर मंगलवार की देर शाम लुटेरों ने मेडिकल स्टोर स्वामी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देते हुए हड़कंप मचा दिया। पीड़ित की शिकायत पर मौके पर पहुंची पागबड़ा पुलिस द्वारा लुटेरों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है। घटना मंगलवार देर शाम लगभग 6 बजे के आसपास की है। पागबड़ा पेट्रोल पंप के पास प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की होलसेल की विंदल मेडिकल स्टोर एजेंसी है। हर रोज की तरह वह शाम भी अपने मेडिकल स्टोर एजेंसी पर बैठे थे कि अचानक तीन युवक उनके पास पहुंचे और इनो नाम की दवाई की मांग करने लगे। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि जब उन्होंने दवाई डिब्बे से निकालने के लिए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया तभी एक लुटेरे ने उनको गन पॉइंट पर ले लिया और गले में रखी 1,40,000 रुपए की रकम को लूट कर फरार हो गए। पीड़ित मेडिकल स्टोर स्वामी द्वारा थाना पागबड़ा में घटना की लिखित शिकायत दे दी गई है। पीड़ित की शिकायत पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और पुलिस द्वारा जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। पागबड़ा में लूट की ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी और कई वारदातों को लुटेरे अंजाम दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस तरह की घटनाओं पर पुलिस कब अंकुश लगा पाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दवा की होलसेल की दुकान है। अच्छा, क्या हुआ था? शाम को एक बंदा आया, उसने कहा कि आपके पास इनो है। मैंने मना कर दिया, शराब पिए हुए था वो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास कुछ और है, और वो चला गया। उसके 15-20 मिनट आधे घंटे बाद वो दोबारा आया, बोला जो है आप वही दे दीजिए। और मैंने उसे डिब्बा उठा के दिया। फिर उसके पीछे दो लोग और आ गए, एक ने रिवॉल्वर मेरे सीने पर रख दी, बोला सब पैसे दे दो। तो रिवॉल्वर देसी था या कैसा था? देसी ही लग रहा था, देसी ही लग रहा था। फिर मैंने सब पैसे दे दिए। वो एक ने गले की तलाशी ली, दूसरे मेरी जेब की तलाशी ली। तकरीबन 1,40,000 रुपये। कितने लोग रहे हुए? तीन लोग थे। अच्छा, पहले कभी इस तरह से इस गतिविधियां देखी इस तरह की? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पुलिस पहुंची तो क्या पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा 100% खुलेगी घटना, आप चिंता मत करिए। घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी? कैद है पूरी तरह से सब कुछ। क्या मानते हैं इस तरह की घटना पहले हुई है पागबड़ा में? आपको अखबार में तो पढ़ते रहते हैं, अक्सर ही होती रहती हैं, लेकिन कभी इस तरह की हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ भी हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे रहते थे हमेशा, आज पहली बार ऐसा था कि मैं अकेला बैठा हुआ था। क्या वो व्यक्ति जो आए थे कभी पहले भविष्य में देखे आपने कभी या कभी? नहीं, मैंने कभी उनको देखा नहीं है। इलिटरेट जैसे लोग थे, शराबी, और वैसा लग रहा था कि जैसे वो रोड शार्प टाइप लोग थे। तो पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने कहा कि आप 2-3 दिन के अंदर खोल देंगे, आप चिंता ना करिए। मैंने कहा मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा, मतलब मैं यहाँ कैसे बैठूँगा अकेले? उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, हम आगे लेपर्ड लगा देंगे यहाँ पर, जिससे कि वो, वैसे हम लोग विजिट करते रहते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन आप फिर भी। ये एक मेडिकल हॉल है वहाँ पर, बिंदल मेडिकल हॉल पागबड़ा क्षेत्र में, ये सुपरटेक वाला रोड है उस पर। उसमें एक प्रमोद श्रीवास्तव हैं, ये इनका होलसेल का काम है। तो आज ये अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इनके हालांकि कुछ लोग और भी काम करते हैं, करीब 8-10 इनके कर्मचारी भी हैं, लेकिन उस समय ये अकेले थे। और इनके यहाँ घटना हुई है, पहले एक व्यक्ति इनके यहाँ एक इनो लेने के लिए आया, उसके बाद आधे घंटे बाद तीन लड़के आए हैं दुकान पे, आके उन्होंने तमंचा दिखा के इनके गले से, इनका कहना है कि लगभग 1,00,000 के आसपास रुपए थे, वो ले गए हैं। उनका सीसीटीवी फुटेज हमको मिला है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो वहाँ और व्यक्ति थे, इनके सब जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे, वो उस समय कोई मौजूद नहीं था। तो इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है और जो और भी वहाँ के अपराधी आसपास के हैं, उन सब की जानकारी की जा रही है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है इसमें, और बहुत जल्दी ही घटना का नाम दर्ज किया जाएगा।